Hello guys, welcome you all on the Let's Crack NEET UG platform. Myself, Harshit Jalani, and this channel has been a gold mine for all NEET aspirants, or we can say it's a one-stop solution, that is Let's Crack It. Okay? And this is the information about me, that is myself, your mentor, Harshit Jalani, which is live currently from Kota. Naam hi kafi, everyone knows, and these are my credentials, which will definitely going to help you all guys out. ठीक है, so जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम लोग foundation courses भी start कर रहे हैं. foundation courses के लिए आपको करना क्या है, हमसे interact कैसे होना है, आपको just Unacademy का एक learning app install करिए. Unacademy का learning app install करने के बाद जाइए get subscription पर, and this is the 24,000 course. If you are going to use my code HJ Live code use karte hi, dekhiye 1 month plans is also available, 3 months plans are also there, 6 months and 12 months. Every month, मतलब आपके हर एक slab के लिए plans designed है. बस आपको आना है और पढ़ना है. That's all. And you just need to one click away from us. Don't forget to use my code HJ Live. आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट बेनिफिट विथ इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ बहुत चीजें, बिकॉज दीज आर वेरी 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 इकोनॉमिकल एंड नॉमिनल प्लान्स. यस सुनो, दीज आर वेरी 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 व्हाट, इकोनॉमिकल एंड नॉमिनल प्लान्स विच आर प्रेजेंट हियर. सो इफ यू यूज दिस कोड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू दीज कोड्स विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल आउट. ठीक है, सो letters, and this is the current crash course. जो बच्चे हमारे साथ join करना चाहते हैं, this is for NEET aspirants. Current crash course has been here, that is for NEET 2020, and you can come and join this. These are the top educators which are going to teach you all, and you can learn from any of them. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी से भी, जिससे आपको sync बैठे, जिसको आपका समझ आए, जहां से आपको अच्छा लगे वहां पे जाइए. हर एक subject के लिए यहाँ पे हमारे पास educator present है. Not one, many one. ठीक है, so this is a weekly mock test, free mock test, everything will be available to you all just a one click away. ठीक है, हर एक चीज मिलेगी. so coming back to the topic, जैसा अपन ने मैंने बोला था, so आज अपन इसमें discuss करने वाले बच्चों about single displacement reactions के बारे में. किसके बारे में? single displacement reactions. ठीक है, single displacement reactions होती क्या है, what is the meaning of this, is केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. ठीक है, इसको समझना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. ठीक है, अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, दीज आर द टाइप ऑफ योर आयनिक रिएक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होंगे, यहाँ पे आयन्स होंगे जो इधर से उधर रिएक्शन में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे गाइस. ठीक है, आयनिक रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आती है ये बात सभी को समझ में. अब जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी सी इज गोइंग टू फॉर्म, एंड दिस इज द रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन, एंड ए सी प्लस बी इज योर प्रोडक्ट. सो दिस इज टर्म एज योर वॉट, देखिए दिखते जाइए अब यहाँ पे, दिस इज टर्म एज योर वॉट, दीज आर टर्म एज योर, एवरी वन नोज दीज आर टर्म एज योर वॉट, रिएक्टेंट्स गाइस. ये है क्या आपके रिएक्टेंट्स है यहाँ पे. ठीक है, एंड दीज आर टर्म्ड एज योर प्रोडक्ट्स, दीज आर टर्म्ड एज योर व्हाट प्रोडक्ट्स. अब देखो, आप देखो अगर इनको जनरली, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, एक्सचेंज तो हुआ है कहीं ना कहीं से. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पर रिएक्टिविटी किसकी, रिएक्टिविटी अगर आप देखो, तो अगर यहाँ पे अज्यूम करिए आप, रिएक्टिविटी ए की ज्यादा है बी से, मतलब ए इज मोर रिएक्टिव, ए की ज्यादा मतलब मोर, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्टिव करता है, मोर रिएक्टिव है बी से. सो ए ने किसको रिप्लेस करा, सो यहां से इससे कंक्लूजन क्या हुआ, ए रिप्लेसेस बी फ्रॉम इट्स कंपाउंड. फ्रॉम इट्स कहां से, किससे रिप्लेस कर दिया, उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया. आ रही है बात समझ में, जैसे ए और बी, ये अपन ने अज्यूम करा कि भाई ए ज्यादा रिएक्टिव है, सो ए ने आके किसको डिस्प्लेस कर दिया, ए ने आके इसको हटा दिया है यहां से. सो ए सी के बारे में नया बॉन्ड बन गया और बी अकेला देखता रह गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ. ठीक है,
सो ए ने ए ज्यादा ताकतवर था, अब अपन को कैसे पता चलेगा, अपन को हवा थोड़ी लगेगी, तो इसके लिए यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज फॉर मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज फॉर मेटल्स आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज फॉर मेटल्स आपके लिए अभी मैं पेश कर दूंगा, आपको अगर ये पता हो तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे प्रेजेंट होता है ना, जो भी टॉप पे प्रेजेंट होता है दैट विल बी मोर रिएक्टिव, टॉप पे होगा तो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है, और जो बॉटम पे होगा, जो बॉटम पे होगा इट विल बी लेस रिएक्टिव, बॉटम पे होने वाला लेस रिएक्टिव। सो ऑलवेज, तो ये थंब रूल है, ये मान लीजिए ऑलवेज मोर रिएक्टिव गोइंग टू डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव, गोइंग टू डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज गोइंग टू डिस्प्लेस व्हाट, एलिमेंट इज गोइंग टू डिस्प्लेस व्हाट व्हाट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज गोइंग टू डिस्प्लेस योर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। आई बात समझ में सभी को? दिस इज द थंब रूल, यू शुड नो अबाउट दिस वेरी 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 क्लियरली, ठीक है। एंड अब अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी दूसरी चीज, तो देखो इसके अलावा अगर आप, मैंने इस तरीके से रिएक्शन लिख दी ए सी प्लस बी, तो अब क्या रिएक्शन होगी सोचिए, ए सी प्लस बी है, आपको यही अजम्पशन लेना है, अजम्पशन यही लेना है, तो ए सी प्लस बी अब क्या होगा बच्चों बताओ, अब क्या होने वाला है सोचो, अब यहाँ पे होगी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस नाउ बिकॉज द रीजन इज वॉट, ए इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, सो बी की हिम्मत नहीं है कि इसको यहां से हटा दे, बी की हिम्मत नहीं है कि यहां से इसको हटा दे तो डिस्प्लेस कर दे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, एक एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करा, तो वो कैसे करा, बिकॉज वो ज्यादा ताकतवर था, वो ज्यादा रिएक्टिव था, तो इसलिए वो आया और उसने दूसरे एलिमेंट को आके वहां पे डिस्प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए सेकंड थिंग, अगर आपको पता हो सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, किसके बारे में बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो वहां सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, नाम से एक एलिमेंट ने करा, अब यहाँ डबल मतलब दो दो कुछ होने वाला है, डबल मतलब टू, यस और नो, डबल मतलब व्हाट, टू। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में अगर आप बच्चों ध्यान से समझोगे इस चीज को, देखो यहाँ पे होगा क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के केस में, देखिए सबसे पहली बात तो ये किसके बेसिस पे होगी, आयनिक, दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट योर आयोनिक रिएक्शन, दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ व्हाट योर आयनिक रिएक्शन, पहली चीज तो ये समझ आती है। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, व्हाट हैपेंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज गोइंग टू टेक प्लेस गाइस, ठीक है। सो अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे ये रिएक्शन है ए बी, ए बी प्लस सी डी, इट्स गोइंग टू गिव यू, यहाँ पे कोई रिएक्टिविटी की बात नहीं है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम रिएक्टिव होगा, बस देखते ही आंसर आएंगे, ठीक है। कैसे देखते ही आंसर आएंगे, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ आयंस, भाई ये कंपाउंड मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस के खेल में क्या होगा कि ये वैसे ही एक दूसरे से कंबाइन तो है ही, अब देखो अपोजिट चार्जेस इंट्रैक्ट करते हैं, सो ए प्लस बी माइनस ऑलरेडी फॉर्म है, अब नए बॉन्ड्स फॉर्म होने स्टार्ट होंगे, नए बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होने स्टार्ट होंगे, ए किसके साथ गया है आपका डी के साथ, ए किसके साथ गया है डी के साथ, और बी किसके साथ चल गया है यहाँ पे सी के साथ, ए डी के साथ और बी सी के साथ, हाँ ये 1 मिनट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ से अपन करेक्ट कर देते हैं, उसमें क्या है, सो यहाँ पे कैसे हो गया, ए के साथ कौन गया डी, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्ट करेंगे, प्लस आपके साथ बी सी के साथ कौन गया, सी के साथ कौन गया, सी के साथ कौन गया बी गया है, सी के साथ कौन गया है बी गया है, सी बी, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज बी बीइंग योर व्हाट रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस आर बीइंग योर व्हाट रिएक्टेंट, सो
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का कन्वर्जन हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, आयनिक रिएक्शंस आर गोइंग टू गो थ्रू ए प्लस से डी माइनस, सो ए डी बना है, सी प्लस से बी माइनस तो सी बी बना है। ठीक है, आई बात समझ में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की सभी को आई बात समझ में, रिएक्टेंट से कहां पहुंच गया है, प्रोडक्ट्स में पहुंच चुका है। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ आयंस विल टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं यहां पे, जैसे कि NaCl है, सपोज मेरे पास NaCl के साथ है मेरे पास BaSO4। अब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी तो बच्चों को देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव है इतना समझ में आना चाहिए, ये नेगेटिव है इतना भी समझ में आना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये प्लस टू होता है ये माइनस टू होता है, एवरीवन नोस शुड नो दिस वैलेंसी। सो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा इट इज Na2SO4 प्लस BaCl2। एक्सचेंज हुआ नहीं हुआ, पॉजिटिव आयंस किसके साथ गए, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस किसके साथ गए हैं, ये जो पॉजिटिव आयंस थे वो नेगेटिव के साथ पहुंचे हैं, और इसका पॉजिटिव इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, एक्सचेंज ऑफ आयंस आर गोइंग टू टेक प्लेस। इज दिस रिएक्शन इज योर बैलेंस, क्या ये बैलेंस है, नहीं है, बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करिए। सो इसको बैलेंस कैसे करेंगे आप लोग, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो इसको बैलेंस कैसे करना है, यहाँ पे सोडियम कितना है 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, सो बस इसके आगे आप 2 NaCl लगा दीजिए, दैट विल गिव यू द बैलेंस इक्वेशन। भाई हर एक इक्वेशन बैलेंस तो होनी चाहिए, एवरी इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, करेक्ट, एंड फॉलो व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड फॉलोज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, each and every equation should be balanced and follows your LOCM means what, law of conservation of mass, सभी को follow करना है, clear है बात, ये सभी को आई समझ में। यहाँ पे ये थी आयनिक रिएक्शन, exchange of ions हुआ, takes place हुआ, so यहाँ से reactant से product आ गया। so देखो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है, so देखते जाइए यहाँ पे single displacement reaction या single same चीज है, single displacement reaction या आप ये भी कह सकते हैं कि सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जा सकता है, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आर आल्सो करेक्ट, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आर आल्सो करेक्ट, ठीक है। सो देखते जाइए मैजिक ब्लू अर्थ, आपकी अर्थ ब्लू है सभी को पता है, कैसे है Fe प्लस CuCl2, कैन Fe रिप्लेस Cu, अब आती है बात कैन Fe रिप्लेस Cu। सो मैंने वहां पे आपको बोला था सिंगल डिस्प्लेसमेंट को आपको चेक करना है तो यू हैव टू मस्ट गो थ्रू विद द रिएक्टिविटी सीरीज गाइस, ठीक है। सो दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज आई एम ब्रिंगिंग टू यू ऑल, सभी को दिख रही होगी, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज आई एम ब्रिंगिंग टू यू ऑल, दिस इज व्हाट योर लिथियम, देन यू आर गोइंग टू हैव रुबिडियम, देन यू आर गोइंग टू हैव पोटेशियम, देन यू आर गोइंग टू हैव बेरियम, देन यू आर गोइंग टू हैव कैल्शियम, देखते जाइए सोडियम, ये सारे एलिमेंट्स दिखे होंगे कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी में, यस और नो, मैग्नीशियम, देन यू आर गोइंग टू हैव एल्यूमिनियम, देन यू आर गोइंग टू हैव मैंगनीज, देन जिंक, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव क्रोमियम, आयरन, निकल, एसएन, पीबी, हाइड्रोजन, ठीक है, तो पीबी हाइड्रोजन एंड एसएन पीबी हाइड्रोजन के बाद आपके मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए ये आयरन था, ये यहाँ पे आयरन के बाद में है निकल और यहाँ पे है एसएन, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव पीबी, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव हाइड्रोजन, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव कॉपर, एचजी, एजी, पीटी, एयू, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट हियर, एजी, पीटी, एयू, ठीक है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट योर रिएक्टिविटी सीरीज, आपको इसको ध्यान रखना है ना, आपको गाइज इसको क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आपको यूज भी आने वाली है, हर एक रिएक्शन आप इसको करा सकते हो इसको देख के। सो टॉप पे जो प्रेजेंट हो गए, जैसे टॉप पे कौन है ये, सो
टॉप पे ये है, तो इट इज टर्म्ड एज मोस्ट रिएक्टिव, इट इज टर्म्ड एज मोस्ट रिएक्टिव, जैसे मैंने बताया था। और एयू गोल्ड आपका लास्ट में, तो गोल्ड भी इतनी जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता है। यस और नो भाई, आपके घरों में अलमीराज में गोल्ड रखा हुआ हो, क्या वो चेंज हो जाता है क्या? कहें सालों साल रखा रहता है, चेंज थोड़ी होता है। सो इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव, इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव टू यू, ठीक है। सो ये मोस्ट रिएक्टिव हुआ, ये लीस्ट रिएक्टिव हुआ। अब अपन को तो बात इसकी करनी है भाई, FeCuCl2 को क्या ये रिप्लेस डिस्प्लेस हो पाएगा? तो देखो Fe को कहाँ पहुंचना है, Cu की जगह पहुंचना है। तो देखो Fe ये रहा, और कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, ये रहा, ये रहा Fe, ये रहा कॉपर, दिख रहा है सभी को? देखो मैं अच्छे से दिखाता हूँ आप लोगों को, Fe सभी को दिखा, ये रहा, और कॉपर कहाँ है, ये रहा। सो जो टॉप पे होगा, जो टॉप पे होगा वो मोस्ट रिएक्टिव, जो बॉटम पे होगा, दिस इज व्हाट बॉटम मींस, लीस्ट रिएक्टिव, बॉटम वाला लीस्ट रिएक्टिव। सो आयरन, आयरन और कॉपर में से क्या रिजल्ट निकला? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो मतलब कि रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी फर्दर। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। सो यस, रिएक्शन विल बी डेफिनेटली गोइंग टू गो थ्रू, एंड दो बैलेंस इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या जिंक नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, क्या जिंक HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा? तो जिंक, देखो जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक। अब जिंक को कहाँ पहुंचना है आपको, जिंक को कहाँ पहुंचना है, और हाइड्रोजन, ये रहा HNO3 को, ठीक है। ये रहा जिंक और ये रहा हाइड्रोजन। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, एवरीवन नोज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दिस इज द कंक्लूजन व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है। सो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है HNO3 के साथ, तो अब देखो ये रिएक्शन होगी क्या, देखो। यस दिस रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, तो देख लीजिए अपन के पास यस जिंक नाइट्रेट प्लस H2 बन चुका है, ठीक है, अनबैलेंस भी हो चुकी है। अब बताओ MgCl2 और Br2 क्या हो सकता है रिएक्शन MgCl2 और Br2 के लिए? अब यहाँ पे तो इस रिएक्टिविटी सीरीज की बात ही नहीं हुई, सो इसकी बात नहीं हुई, तो आपको ये देखना है, फॉर नॉन मेटल्स आपको ये फॉलो करना है, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, ठीक है। F2 Cl2 FCl Br, सो Cl की ज्यादा रिएक्टिविटी है, Br की क्या है यहाँ पे गिवन है, सो ये क्या इसको इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? कैन Br रिप्लेस Cl, कैन Br रिप्लेस Cl? नो, नो रिएक्शन, बिकॉज Cl इज मच मोर रिएक्टिव, Cl इज मच मोर रिएक्टिव, तो Br तो लेस रिएक्टिव, तो Br इसकी जगह नहीं ले पाएगा। सो द रिएक्शन और द कंक्लूजन विल बी नो रिएक्शन फॉर यू ऑल, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होने वाली या होने वाली नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द केस, करेक्ट। सो जनरल फॉर्म यू आर गोइंग टू हैव A+BC, एंड यू नो दैट दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन अदर वन। सो दिस इज द केस, देखती है पोटेशियम और वाटर के बीच में रिएक्शन, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आप एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, पोटेशियम और वाटर के बीच में जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, देखिए पोटेशियम और वाटर के बीच में जो रिएक्शंस होंगी, दे आर वेरी वेरी हाईली, दे आर वेरी वेरी हाईली मीन्स दे आर वेरी वेरी हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक, और दे आर वेरी वेरी एक्सप्लोजिव रिएक्शन, बहुत ध्यान से कराई जाती है, ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता कि घूमो। ये जो पोटेशियम दिख रहा है और ये वाटर दिख रहा है, ये KOH हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजिव है, ठीक है। चलिए सो दिस इज द योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे भी आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। सो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ योर व्हाट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यस और नो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये री रिएक्शन, सो K+Cu3- और BaCl2, अगर आप इसको रिएक्शन लिखोगे, सो द रिएक्शन यू विल फाइंड दैट K2Cu3 है, और ये किसके साथ जा रहा है, BaCl2 के साथ, K2Cu3 BaCl2 के साथ। अब एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, है ना, क्या होगा बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब एक्सचेंज ऑफ आयंस आपको करने आने चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड नाउ द थिंग्स विल गो स्मूथ, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, 2KCl+BaCO3, यस और नो? पॉजिटिव वाला इस वाले नेगेटिव के साथ, ये वाला पॉजिटिव, दिस इज द मीनिंग। दो चीजें अगर आपकी डिस्प्लेस हो गई, तो यहाँ पे देखो आयंस घूम रहे हैं,
अब फ्रीली कैसे हुई ये रिएक्शन, फ्रीली कैसे हुई? बिकॉज ये फ्रीली इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस है, एक्सचेंज ऑफ आयंस आर गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस है। सो आयंस आर फ्री टू मूव, आयंस आराम से प्रेजेंट रहते हैं और इजीली मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, आयंस आराम से फ्री रहते हैं और इजीली मूव भी कर सकते हैं, सो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो आराम से वो रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, ओके। सो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे कि सपोज ये जो रिएक्शन है CaO+H2O, ये बना दिया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल दिस इज द रिएक्शन फॉर यू, CaO+H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, बैलेंस है, Ca1 है, Ca1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्या ये बैलेंस है? हाँ जी, ये बैलेंस इक्वेशन है। सो इस बैलेंस इक्वेशन में अब ये किस कैटेगरी में, क्या इज इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, किसी में आई क्या ये, सोचो एक बार, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट में से किसी कैटेगरी में आपके हिसाब से है ये रिएक्शन? नहीं है ना, नहीं है। सो दिस विल बी व्हाट योर, दिस विल बी टर्म्ड एज योर व्हाट, दिस इज नोन एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन गाइस, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है आपके लिए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुई है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट ना दो आयन सेक्शन, ये तो एक प्रोडक्ट बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि अगर और आप एग्जांपल देखना चाहेंगे, सो और एग्जांपल आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, देखिए आप FeCO3 है, सो FeCO3+ पोटेशियम प्लस मेरे पास है सोडियम है, सपोज सोडियम ले लिया मैंने, सो क्या ये रिएक्शन होगी? फर्दर सोचिए एक बार, क्या ये रिएक्शन होगी, और होगी तो इसका नाम क्या होगा? अगर रिएक्शन होगी तो इसका नाम क्या होगा? यस, ये रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग गाइस, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो सोडियम इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन आयरन, सोडियम इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो सोडियम इसको आसानी से गायब कर देगा, आयरन अकेला बैठ जाएगा, अब उस वो CO3 किसके साथ कंबाइन हो गया है, Na2CO3 हो चुका है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है गाइस। सो प्रेडिक्ट दीज रिएक्शंस कैन अकर और नॉट, Mg+AlCl3, सोचिए क्या ये रिएक्शंस होगी या ना, नहीं, सम क्वेश्चंस आई ऑल्सो ब्रिंग टू यू, सो आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान रखनी है, सो रिएक्टिविटी सीरीज सोचिए, यू विल गेट द आंसर्स इजीली, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, Mg और AlCl3 के बीच में देख लेते हैं क्या होगा, क्या ये एक्सचेंज, और होगी तो कौन सा होगा, कैन मैग्नीशियम, दिस इज द क्वेश्चन, तो एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है आपका? यस, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, सो मैग्नीशियम ने एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो उसने उसके कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर चुके हैं, आई बात समझ में? सेकंड देखो, और बैलेंस भी कर दिया अपन ने, ठीक है, सेकंड देखो रिएक्शंस, Al+MgCl2, ध्यान से देखो घूमती हुई आ रही है, ठीक है, आपके पास Al+MgCl2, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी Al+MgCl2 के साथ? देखो मैग्नीशियम ने तो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया है, क्या ये एल्यूमिनियम जाके अब इसको डिस्प्लेस कर सकता है? उल्टा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यही तो मैंने समझाया है, नो नो रिएक्शन विल अकर, यस और नो, सो देख लो रिजल्ट भी यही है, एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग नो रिएक्शन, नो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव सो इट कांट डिस्प्लेस, और इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ, इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ तुम्हारे हिसाब से बताओ? दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी डिस्प्लेसमेंट? सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चों, ठीक है, कौन सी हुई है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई है, नो रिएक्शन विल अकर, क्लियर? सो दिस इज द थिंग, Mg+Cl2, ये आराम से ये इसको डिस्प्लेस, और हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे ये सोचें कि सर मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, ये पहले आगे लिखा होता है, ये पीछे था, अब मैंने ऊपर ऊपर नीचे लिख दिया, इसको आगे पीछे कर दिया, तो ऐसे नहीं, अब रिएक्शन हो जाएगी, अब भी रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट ऐसे नहीं होता आगे पीछे लिखने से, रिजल्ट होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आ रही बात समझ में? ठीक है, सो इट विल बी, सो द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि अगर आगे पीछे लिख दिया तो वो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी क्लियरली, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट दैट व्हेन वी आर गोइंग टू हैव रिएक्शंस एंड व्हेन वी आर गोइंग नॉट टू हैव द रिएक्शंस। सो बस आपको एक ही चीज में सोचना है, रिएक्टिविटी सीरीज तो भाई किस में अप्लाई होगी आपकी, मेजरली किस में अप्लाई होगी रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट में, बस एक्सचेंज ऑफ आयंस कर देना है, ठीक है। सो जस्ट नो दिस लॉजिक एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द रिएक्शंस, ठीक है। सो कीप स्माइल ऑलवेज बच्चों, हमेशा स्माइल रखिए अपने फेस पे, एंड जब भी आपके साथ मैं ऐसे सेशन सॉल्व लाता रहूंगा फाउंडेशन के लिए, लेट्स क्रैक नीट यूजी, ठीक है। एंड फाउंडेशन के लिए भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आने वाले हैं आप लोगों के साथ, एंड यूज माई कोड HALive, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, एंड यू विल नॉट गेटिंग डिस्काउंट, आपको बहुत अच्छा मेंटरशिप, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हाट यू कैन गेट, ओके गाइस। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब करिए एज मच एज पॉसिबल, शेयर करिए इस वीडियो को एज मच एज पॉसिबल, एंड मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। थैंक यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।